नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है अपने के लिए नहीं ईश्वर के लिए जिए। सभी ईश्वर के पुत्र है और सब में परमात्मा का निवास है। यह मानते हुए यदि हम परस्पर एकता, निष्कलंकता, प्रेम और उदारता का व्यवहार करने लगे तो जीवन में अजस्त्र पवित्रता का अवतरण होने लगे, सर्वत्र सद्व्यवहार के दर्शन होने लगे और आज जो कटुता, सक्रियता और कलह का वातावरण दिख पड़ता है उसका अंत होने में देर न लगे। हमें केवल अपने शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए भी जीना चाहिए। यदि मनुष्य शरीर की सुविधा और सजावट का ताना बाना बनते रहने में ही उस बहुमूल्य जीवन को व्यतीत कर दे तो उसे वह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा जिसके लिए जन्मा है। स्वार्थ में संलग्न व्यक्ति तो विघटन की ओर ही बढ़ेंगे और उनके व्यवहार एक दूसरे के लिए असंतोषजनक और असमाधान कारक ही बनेंगे। ऐसी दशा में द्वेष और परायापन की भावना बढ़कर आचरण को नारकीय कलश कलह से भर देगी और यह संसार अशांति एवं विनाश की काली घटाओं से घिरने लगेगा। ऐसा न सोचो कि यदि ईश्वर का पुत्र केवल शारीरिक सुखों के लिए जीवन धारण किए रहेगा तो इस संसार में धर्म का राज्य कभी उदय न होगा। यदि अपने लिए ही जियो गया तो मनुष्य की पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठता कैसे बनी रहेगी। यह अनुभव करते हुए वे ऐसी निर्णय पर पहुंचते कि हमें अपने लिए नहीं प्रभु के लिए जीना चाहिए। अस्तु ईसा मसीह घर छोड़कर चल दिए और वन पर्वतों और ग्राम नगरों में धर्म का प्रचार करते हुए भ्रमण करने लगे। ईश्वर का पुत्र अपने लिए नहीं ईश्वर के लिए ही जी सकता है। इसके अतिरिक्त उसके पास और दूसरा मार्ग क्या है? टॉलस्टॉय, अखंड ज्योति, अगस्त 1964, पृष्ठ 1। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।